नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में योगी पुलिस के निशाने पर फिलहाल माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार है, जो कि फरार भी चल रहा है। जिस तरह से सीएम योगी ने सबके सामने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उससे तो ये तय हो गया था कि अब उमेश पाल के हत्यारों की खैर नहीं। यही कारण है कि अब माफियाओं की कमर तोड़ने में योगी की पुलिस लग गई है। इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर दहाड़ रहा है, लेकिन सीएम योगी जहां एक तरफ इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विरोध में उनके विरोधी एक अलग ही प्लान बना रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल सीएम योगी की सबसे बड़ी विरोधी कही जाने वाली मायावती ने उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी का न्योता भिजवाया है। अब अफसोस की बात यह है कि यहाँ मायावती सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए जनता को साइड कर रही है, क्योंकि ये बात तो मायावती को भी पता है कि शाइस्ता पुलिस से भागती फिर रही है, तो वो शादी में कहां से आएगी। तो बेशक वो शादी समारोह में नहीं आ सकती, तो कार्ड भिजवाया जाना सिर्फ सियासी संदेश देने के लिए है। और शाइस्ता के बहाने यहाँ मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश भी की गई है। सबसे बड़ा सवाल तो अब यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जब शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और जिस घर में शाइस्ता परवीन रहती थी उस पर बुलडोजर चल चुका है, तो आखिर मायावती कार्ड भिजवा कहां रही है? क्या उन्हें मालूम है कि शाइस्ता परवीन कहां है? इन सभी बातों के बीच खबर तो ये भी चल रही है कि शाइस्ता परवीन का कार्ड अब उनके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, शादी का कार्ड। आपको ये भी बता दें, शाइस्ता परवीन मायावती की पार्टी बसपा की नेता भी है। जब उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता का नाम आया था, तब मायावती ने खुद ट्वीट करते हुए लिखा था कि बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में फिर श्रीमती शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। आपको भी बता दें, एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शादी के लिए मायावती द्वारा तैयार की गई सूची में प्रयागराज मंडल से 49 लोगों के नाम हैं। इनमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी, पुराने और करीबी नेता और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। फिलहाल आपको अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बारे में भी बता देते हैं। इन्होंने लंदन से एमबीए किया है। बसपा के समर्पित सदस्यों को शादी में आमंत्रित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आकाश आनंद की शादी 26 मार्च को गुड़गांव के एम्बियंस आइसलैंड में होगी। शादी के बाद रिसेप्शन का आयोजन लखनऊ या दिल्ली में आयोजित किया जा सकता है। इस रिसेप्शन में अन्य दलों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, अपराधी आ गए।